एक ऐसे कार्यक्रम में जिससे युवाओं को और खासकर उन लोगों को जो राजनीति में उतर कर कुछ करना चाहते हैं समाज के प्रति और कुछ करना चाहते हैं उस व्यवस्था के प्रति, जहां पर धाय कुलदीप सिंह सेंगर, ये नाम अगर मैं एक विधानसभा के लिए लूँ तो कम रहेगा, भगवान नगर, उन्नाव और फिर बांगर। लगातार विधायक रहे लेकिन उन पर जिस पर लाजवाब रहे, इनके पूरे जीवन पर हम कुछ ये जो पूरा एपिसोड दिखाने जा रहे हैं उनके जीवन पर, लेकिन उनसे ही सीधे प्रश्न करेंगे कि आखिर जीवन की शुरुआत में राजनीति में कैसे उथल पुथल रहा और कितने विकास कार्यों की ऐसी जगह पर विकास कार्य करके दिखाया जहाँ पर परिस्थितियाँ बड़ी बंजर थी। हम बात करेंगे कुलदीप सेंगर से उनके जीवन के पूरे विषय पर और पूरी राजनीतिक यात्रा पर। ये उन युवाओं के लिए जरूर प्रेरणादायक होगा जो युवा राजनीति में कुछ करना चाहते हैं। रहने वाला हूँ, स्वाभाविक रूप से वो उत्तर प्रदेश की राजधानी और उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी के बीच रहता है। कार्यकर्ता था और जब मैं कोई एक चीज लेता था, मैं सन 88 में अपने गांव का प्रधान बना, जब मैं प्रधान बना तो मैंने ये संकल्प अपने मन में तय कर लिया कि अगली बार मैं प्रधान नहीं बनूंगा। का वो हर पार्टी अपनी बनाती है कि हमारी एक नंबर की सीट कौन है, नंबर दो की सीट कौन है, नंबर तीन की सीट कौन है। तो उन्नाव को उनके टारगेट में नंबर तीन की सीट थी, गिफ्ट नहीं होता कि चुनाव लड़ना चाहता। एक उस समय के एक बड़े नेता वहाँ के बसपा के, उन्होंने मुझसे कहा गया, मैंने उनके सारे उनका प्रस्ताव था वो सारी चीज़ें मानी और उनका मन उन्नाव से आपको टिकट दे, मैंने किसी भी दल के लिए वोट मांगे। मैं जानता हूं कि कुलदीप सिंह सेंगर किसी दल या किसी पार्टी के लिए वोट मांगने आए हैं, मुझे विश्वास है कि बड़े हमारी मदद करेंगे, नौजवान हमारी मदद करेंगे और हर जाति समाज के लोग ने पद पाने के लिए और पैसा कमाने के लिए कुलदीप सेंगर के सामने सारे निकल। मैंने पद पाने के लिए अपना ईमान नहीं बेचा, मैंने ये कहा कि मैं जिस दल से जीता हूँ उसी दल में रहूँगा। उस प्रक्रिया का मैंने निर्वहन ईमानदारी से किया। संजोग जी, जी आपके सामने बताना चाहिए, जी 5 बजे जब मीटिंग रखी तो वहाँ आदमी इकट्ठा नहीं थे, कार्यकर्ता रोने लगा आ रहे हैं और मैंने उसने कहा कि भैया वो रोने लगा, तो हमने कहा रो नहीं, अभी रुको। हमने माइक पकड़ा और थोड़ा सा हमने लोगों को संबोधित किया तो 100-200 लोग आए, 100-200 वहाँ पर एक लड़का, उसका नाम था राकेश सिंह, वो मुझे मिला कि उसने कहा कि बहुजन समाज पार्टी में आपकी टिकट पक्की रहेगी कि नहीं रहेगी। पहले भी हमारी आपकी वार्ता अमूल होता है राजनीति में, पहले ही प्रश्न मैंने आपसे किया था कि राजनीति में कई लोग उतरते हैं तो पद प्रतिष्ठा आदि सब कुछ, आप जब उतरे तो उसमें एक विधानसभा कभी रही नहीं और कई परिस्थितियां आपके सामने विपरीत भी रही। मैं सबसे पहले आप जब चुनाव लड़ने उतरे विधानसभा का, आपकी जमीनी से लेकर विधानसभा तक की यात्रा के विषय में कुछ बताना चाहिए। मैं जिस जनपद का रहने वाला हूँ, स्व राजधानी और उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी के बीच का जिला है और मन में सदैव भाव रहा कि नौजवानों को रोजगार मिले, नौजवानों को काम मिले और नौजवान ये महसूस करें कि हम उत्तर प्रदेश की राजधानी के बगल के जिले के रहने वाले हैं
और औद्योगिक राजधानी के बगल के जिले की भी रहने वाले। 2002 में मैं उन्नाव सदर विधानसभा से चुनाव लड़ा। मन में भाव था कि उस विधानसभा में कटरी का क्षेत्र कहा जाता था, जबकि उस विधानसभा का जो वर्गीकरण क्षेत्र है वो केवल 25-30 किलोमीटर पूरा क्षेत्र आता है, लेकिन जिस क्षेत्र को कटरी क्षेत्र कहा जाता था, गंगा के किनारे का क्षेत्र ठीक ढंग से नहीं था। मैंने प्रयास किया अधिकारियों से मिलकर, तमाम योजनाओं में शामिल करवाकर उस क्षेत्र में सड़कों का संजाल बिछाने का मैंने महत्वपूर्ण काम की शुरुआत 2002 के विधानसभा सदस्य बनने के समय की। पहली बार में विधानसभा की चुनाव लड़ने के लिए सोचना और किसी दल से टिकट ले आना, ये जरा समझा दीजिए कैसे रहा। मैं एक कार्यकर्ता था और जब मैं कोई एक चीज लेता था, मैं सन 88 में अपने गांव का प्रधान बना। जब मैं प्रधान बना तो मैंने ये संकल्प अपने मन में तय कर लिया कि अगली बार मैं प्रधान नहीं बनूंगा, ब्लॉक प्रमुख। 95 में नया पंचायती राज एक्ट उत्तर प्रदेश के उस समय के मुख्यमंत्री आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने जो प्रस्तुत किया, उसमें क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित की गई। इनको चुना गया। मेरा जो क्षेत्र था, उस जो मेरी सीट थी, उस सीट पर वो सीट महिला के लिए आरक्षित हो गई। मैंने जिला पंचायत का चुनाव अपनी माँ को लड़ाया और मैं क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ा, लेकिन हमारे वो निर्विरोध चुनाव था। मेरा कोई ब्लॉक प्रमुख की सीट भी आरक्षित हो गई थी। जब इन दोनों चुनाव के बाद मैंने ये संकल्प कर लिया था कि मुझे 2002 में विधानसभा का चुनाव लड़ना है। एक मौका मेरे पास आया कि समाजवादी, मतलब वो सीट उन्नाव की सीट खाली हुई थी और वहाँ पर उपचुनाव भी हुआ था, उपचुनाव की आप चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन मैंने उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। मैंने कहा आम चुनाव से अपने राजनीतिक जीवन की, विधायक के चुनाव की शुरुआत की जाएगी। 2002 में स्वाभाविक रूप से मैं उन्नाव से चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, मैं लड़ना चाहता था भगवत नगर, उस समय एक हवा सीट थी, जहाँ सुंदरलाल लोधी एमएलए थे, लेकिन हमको बसपा का जो सीटों का वो हर पार्टी अपनी बनाती है कि हमारी एक नंबर की सीट कौन है, नंबर दो की सीट कौन है, नंबर तीन की सीट कौन है, तो उन्नाव को उनके टारगेट में नंबर तीन की सीट थी। उन्होंने सोचा कि ये व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है। एक उस समय के एक बड़े नेता वहाँ के बसपा के, तो मुझे ले गए, मुझसे कहा गया। मैंने उनके सारे जो उनका प्रस्ताव था वो सारी चीज़ें मानी और उनका मन उन्नाव से आपको टिकट नॉट लड़ा। अच्छा, आपके अंदर कहीं भय नहीं पैदा हुआ कि मेरा क्षेत्र छोड़कर कहीं और दिया जा रहा है, लोग नए, क्षेत्र नया, परिस्थितियां नई, समीकरण नया, बड़ा कठिन होता है, कैसे फिर बिठा लेते सब? ये मंत्र क्या है आपके? ईश्वर का आशीर्वाद और बड़ों का आशीर्वाद जी। मैं उन्नाव जनपद के किसी गाँव में किसी भी दल के लिए वोट मांग गया तो मैं जानता हूँ कि कुलदीप सिंह सेंगर अगर किसी दल या किसी पार्टी के लिए वोट मांगने आए हैं, मुझे विश्वास है कि बड़े हमारी मदद करेंगे, नौजवान हमारी मदद करेंगे और हर जाति समाज के लोग मदद करेंगे। ये जो मन में हमारा भाव है, संकल्प है हमारा, जो वहाँ के लोगों की ताकत है। जब मैं किसी क्षेत्र में जाता हूँ तो मुझे लगता है कि अगर जनता जनार्दन का चुनाव है तो जनता जनार्दन के चुनाव महसूस नहीं होते। मैं उसी भाव से उन्नाव विधानसभा में लड़ा। लोगों ने कहा कि ये तो किसी का क्षेत्र है, किसी के नाम अलाट है। मैंने उस अलाटमेंट प्रथा उस समय समाप्त की और अलाटमेंट प्रथा समाप्त करते हुए वहाँ से मैं चुनाव जीता और अच्छे भाव से मैंने राजनीति की। राजनीति में लोग कहते हैं कि लोग आते हैं पद पाने के लिए और पैसा कमाने के लिए। कुलदीप सेंगर के सामने सारे विकल्प खुले थे, उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्री भी बनाया जा रहा था और पैसा कमाने के लिए भी अपार संभावनाएं थी, लेकिन मैंने पैसा कमाने की अपार संभावनाओं को दरकिनार किया। मैंने पद पाने के लिए अपना ईमान नहीं बेचा। मैंने ये कहा कि मैं जिस दल से जीता हूँ उसी दल में रहूँगा। उस प्रक्रिया का मैंने निर्वहन ईमानदारी से किया। अच्छा, ये चीज़ मैंने सुना है कि कुलदीप सेंगर जब चुनाव लड़ते हैं तो वो ये मान कर लड़ते हैं कि मैं जीतूंगा, तो ये परिस्थितियाँ कैसे मन में फायदा हो जाती है? बड़ों का आशीर्वाद, ईश्वर का आशीर्वाद, नौजवानों के जो मन में भाव है, एक भाई वाला। एक घटना हुई थी उन्नाव में चुनाव के दौरान, केसर चौराहे पर, जरा वो घटना याद। मैं उन्नाव विधानसभा का चुनाव लड़कर पहुंचू, मैं वहाँ केसरगंज चौराहा है, जब पोलिंग खत्म हो गई थी मैं पोलिंग खत्म करवा कर लौट रहा था। समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता के रिश्तेदार और उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी में वो उस समय पदाधिकारी थे,
वो मुझे मिले। पान की दुकान पे थे, पान की दुकान पर चर्चा हुई, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी जीतेगी। वोट पड़ चुके थे, मैंने उनसे कहा कि एक सादा कागज निकालो और नोट करो, हमारा और शिवपाल सिंह यादव उस समय कांग्रेस के प्रत्याशी थे, इनका चुनाव होगा, समाजवादी पार्टी नंबर 3 रहेगी। ये बात उन्होंने हंसी में जिस तरीके से व्यंग्यात्मक ढंग से, लेकिन जब वो चुनाव रिजल्ट निकला तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राम कुमार जी नंबर 3 रहे, शिवपाल यादव नंबर 2 रहे और कुलदीप सहगल वहाँ बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर जीते। लेकिन जो हमारा साहस था, हमारा जो भाव था, और एक जिस गांव जाता था संख्या में भले कम लोग, मैं एक 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 बड़ा संयोग जी जी आपके सामने बताना चाहता हूँ। एक मगरवाड़ा गांव है, मेन सड़क पर गांव है, उन्नाव, उन्नाव में जब मैं उन्नाव विधानसभा का पहला चुनाव लड़ रहा था, उस गांव पहुंचा तो एक कार्यकर्ता ने जब मीटिंग रखी तो वहां आदमी इकट्ठा नहीं थे, कार्यकर्ता रोने लगा, मतलब उसको दुख हुआ कि हमारे नेता आ गए हैं और मैं, मतलब ये बिल्कुल एक शब्द भी जी जी। तो मैं उसने कहा कि भैया वो रोने लगा था, हमने कहा रो नहीं, अभी रुको, हमने माइक पकड़ा और थोड़ा सा हमने लोगों को संबोधित किया तो 100-200 लोग आए, 100-200 लोग आए, मैंने वहाँ अपनी बात कही। वहाँ पर एक एक लड़का, उसका नाम था राकेश सिंह, वो मुझे मिला कि उसने कहा कि बहुजन समाज पार्टी में आपकी टिकट पक्की रहेगी कि नहीं रहेगी, हमने कहा कुलदीप सेंगर जो संकल्प ले लेते हैं उसमें इफ्ट नहीं होता। और उस कार्यकर्ता का मैंने साहस और ढांढस बताते हुए मैंने वहाँ पर अपनी बात रखी, तमाम लोगों ने मेरी बात सुनी, तमाम लोगों ने आशीर्वाद दिया, लेकिन जो कार्यकर्ताओं का उत्साह था कहीं कहीं वो कम हो रहा था, उसको आपने बांध दिया। कार्यकर्ताओं का जो उत्साह था वो लगा कि इसके मन में भाव है कि हमारे हमारे आने पर भीड़ होनी चाहिए, लेकिन चूंकि मैं पहला चुनाव लड़ रहा था, मैं खुद ही भाषण देना था, खुद ही लोगों से अपनी बात प्रस्तुत करना था, और राजनीति में जैसे किसी नहीं होता, किसी बड़े नेता का मेरे ऊपर था, बड़ों का आशीर्वाद मेरे ऊपर था। हाँ, लेकिन कभी बड़े नेता का हाथ कभी कोई रहा नहीं आपके साथ? नहीं, जनता का इतना प्यार मिलता था, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा, आपको एक चीज देखा जाए कि जिस तरह से कोई भी दल बसपा से आपको निकाल दिया गया था, आप निकले नहीं, उसके बाद समाजवादी पार्टी जाना, ये पर जो दल बदल देते थे जब आप, तो आपको कोई अंदर से दिक्कत या कोई परेशानी? नहीं, हमारा काम करने का तरीका दूसरा है, हम जनता के हित के लिए काम करते हैं, अपने हित के लिए काम नहीं करते जी। हमारा भाव, मेरे पास जो आवे उसको ये महसूस हो हम किसी के पास अपनी मदद के लिए गए थे जी। मेरा नैतिक दायित्व बनता है कि हम उसके जख्म और मरहम लगाएं, उसकी मदद करें, मैं वो काम करता हूँ, और काम करने की कोई फीस नहीं लेता, किसी से मन में भाव, किसी आर्थिक भ्रष्टाचार का नहीं रहता, मन में भाव रहता है कि इनको ये एहसास हो कि हम राजनीति कर रहे हैं, राजनीति में इनकी मदद करने के लिए, वो काम कुलदीप सेंगर करते हैं, इस वजह से मुझे कोई परेशानी नहीं। बड़ा विकास कार्य बात करें, 3-3, 4-4 विधानसभा क्षेत्र बार बार देखना इधर उधर, आप विधानसभा जब उन्नाव थे, भगवंत नगर थे, बांगर, इन विकास पर ऐतिहासिक काम, पहले आप भगवंत नगर शुरू। देखिए, भगवंत नगर में उत्तर प्रदेश की शायद 2012 में जब मैं वहाँ से विधायक था तो वहाँ पॉलिटेक्निक नहीं था, औद्योगिक व्यवस्था में लोगों को, नौजवानों को कुछ सीखने की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ पर तहसील में फायर स्टेशन नहीं था, सड़कें, सारी सड़कें, चाहे लाल कुआं से ऊंचगांव हो, चाहे बक्सर से पाटन हो, चाहे पाटन से धानीखेड़ा हो, चाहे धानीखेड़ा से बक्सर हो, ये सारी सड़कें और अचलगंज क्षेत्र की कटरी की जितनी भी सड़कें सब 3 मीटर चौड़ी थी, जो महत्वपूर्ण सड़कें हैं उन सबको चौड़ीकरण कराया गया, सुधरीकरण कराया गया, 7 मीटर के आसपास, हाँ, उनकी मजबूत कराया, जिसमें लोगों को ये एहसास हो कि इस क्षेत्र के सर्वांगीण में, क्योंकि किसी भी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में सड़कों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। वहाँ पर गढ़ेवा में गंगा का पुल बनना था, तत्कालीन सरकार के मंत्री शिवपाल सिंह जी से मैं मिला और एक कार्यक्रम में वो आए थे, मैंने वहीं पर उनसे घोषणा करवा ली कि गढ़ेवा में गंगा का पुल बनेगा और एक साल में गंगा का पुल तैयार हो गया। बांगर मोहम्मदी सड़कें बड़ा अव्यवस्थित थी, वहाँ पर बनी कैसे और क्या परिस्थिति? प्रधानमंत्री सड़क योजना में उस क्षेत्र के प्रस्ताव 2007 के विधानसभा चुनाव में विधायक बनने के बाद
मैंने सारे काम वो शासन की योजना में सम्मिलित कर दिया। जब मौका आया तो प्रधानमंत्री सड़क योजना का सबसे ज़्यादा काम उस वर्ष भागलपुर विधानसभा क्षेत्र में हुआ। चूँकि उस समय सरकार बहुजन समाज पार्टी की थी, मैं समाजवादी पार्टी से विधायक था, उस सरकार का मकसद विकास का नहीं था, बहुजन समाज पार्टी की सरकार, उस सरकार का मकसद बदले की भावना से काम करने का, लोगों को परेशान करने का था। लेकिन हमारा कोई भी कार्यकर्ता परेशान नहीं हुआ, हमारे कोई को भी कार्यकर्ता को कोई भी सरकार का कार्यकर्ता उस समय परेशान नहीं करता। अच्छा, कार्यकर्ता मैंने अपने कार्यकर्ताओं के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए मैं सदैव तैयार रहता हूँ। अगर उनके लिए कहीं भी कोई लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो कुलदीप सिंह का सदैव लड़ने के लिए तैयार। कार्यकर्ताओं की बात करें कि मैंने देखा है भगवान नगर के आज भी वो कार्यकर्ता जो बांगर मऊ में जाकर प्रचार कर रहे थे उस दौरान, पूरे जिले का कार्यकर्ता मैं जहाँ से चुनाव लड़ता हूँ हमारे लिए प्रचार करते हैं। तो ये परिस्थितियाँ कैसे, वो दल बदलने के बाद भी वो कार्यकर्ता बड़ा टिका रहता है, ये कैसे? नहीं, ये इसका इसके पीछे का कारण क्या है? दल भले बदल जाए, दिल नहीं बदलता है। हाँ, काम करने का दिल कुलदीप सेंगर के साथ रहता है और उन्नाव के लोगों का दिल कुलदीप सेंगर के साथ है। तमाम बड़े हमें आशीर्वाद देने का काम करते हैं। मैं एक छोटा सा नमूना आपको बताना चाहता हूँ। जिला पंचायत के चुनाव को समाजवादी पार्टी ने मुझे प्रत्याशी नहीं बनाया, लेकिन तमाम लोग मंदिरों में, मस्जिदों में बुजुर्ग पूजा कर रहे थे कि कुलदीप सेंगर चुनाव जीत जाए, और उसी का परिणाम हुआ जिला पंचायत अध्यक्ष पर आज हमारा कब्जा है। एक जब कुलदीप सेंगर का नाम लो उन्नाव जब, तो कुछ लोग डर भी जाते तो इसका क्या कारण है? ये दबंगई ही या नहीं? अब अपने किसी व्यक्ति की मदद करने में अगर मुझे दबंग भी घोषित किया तो मुझसे परहेज नहीं करना। तो आप स्वीकार कर ले? मैं बिल्कुल हर चीज़ स्वीकार करूँ। अपने आदमी के लिए, उसके मान सम्मान स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ने में, उसकी बात रखने में, शासन तक उसकी बात पहुंचाने में अगर मुझे कोई दबंग भी कहता है तो उसको मुझे कोई परहेज नहीं। दबंगई दो प्रकार की, राजनीति में मदद करने का जो बीड़ा और जो संकल्प हमने लिया है उसमें कहीं दबंगई की भी व्यवस्था होनी चाहिए और अपने आदमी के लिए बात करनी चाहिए, और ये मेरा स्वभाव है। एक आखिरी प्रश्न है आपसे, अब आपके मन में क्या है? एक होगा ना कि अभी मुझे करना है, वो संकल्प क्या है? मेरे मन में, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे मान सम्मान दिया है वो मान सम्मान हमारी पूंजी है। देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह का कार्यकर्ता बनना ही हमारे लिए बड़े गौरव की है। मैं चाहता हूँ कि उन्नाव में भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़े, उन्नाव में भारतीय जनता पार्टी की ख्याति बढ़े। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच के अनुसार समाज का निचले तबके का व्यक्ति ये महसूस करें कि इस सरकार में मेरी हिस्सेदारी है, वो कार्य करने का मैं मजबूती से प्रयास करता हूँ। सारी बातें आपने कुछ तस्वीरें भी देखी विकास कार्यों की, उन तस्वीरों से भी और इनकी बातों से भी और लगभग लगभग इनके काम जो प्रमाणिकता युक्त रहे हैं, अगर जनता के बीच जाकर आप बात करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि हकीकत क्या है। खैर, इस व्यक्ति को व्यक्तित्व बनाने वाली भी जनता है, और व्यक्तित्व को निखारने में उस व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान होता है कि उस व्यक्तित्व को कैसे वो आगे बढ़ाता है और उसको पनपाता है। खैर, आज के लिए इतना ही। उस प्रेरणा के साथ में मैं इस कार्यक्रम की समाप्ति करता हूँ, और ये आशा करता हूँ कि हर युवा बढ़ने से पहले, उठने से पहले एक संकल्प ले कि राष्ट्र निर्माण में उसकी भागीदारी। कैमरामैन उदेश कुमार के साथ सचिन दीक्षित, एंटी करप्शन न्यूज़ एंड न्यूज़।